शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू से बुधवार की रात से राहत मिलनी शुरू हो गई है। बुधवार को दिल्ली में दिन में एक बार फिर प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन रात में मौसम का मिजाज बदल गया और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। देर शाम या रात को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम की इन गतिविधियों के चलते अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने 16 से 18 जून के दौरान काफी तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं 27 जून को दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। इससे पहले बुधवार को दिन में दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ी थी। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं आज यानी गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं नोएडा के मौसम की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान आज 38 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और गुरुग्राम में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम श्रेणी में 121 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा में 140 जबकि गुरुग्राम में 130 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।